दोस्तों आज है बुधवार 18th of August, तो आज है एक्सपायरी, तो काफ़ी हद तक मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल गुरुवार है और मार्केट में हॉलीडे छुट्टी है, तो आज बुधवार को ही एक्सपायरी हो जाएगी यहाँ पे 18th of August। तो यहाँ पे कॉल पुट लगाया हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हो अभी मार्केट जस्ट ओपन होके पहली कैंडल यहाँ पे लाल बनने जा रही है अभी फर्स्ट मिनट में। तो देखते हैं अभी पहली मिनट में जो 16,670 के आसपास जो अभी चल रहा है निफ्टी, तो यहाँ पे स्टॉक में मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी में सेल करने जा रहा हूँ। मार्केट पे ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है, 16,500 का कॉल मैंने बेचा है 100 क्वांटिटी 160 रुपये 32 पैसे से। तो काफ़ी लो लेवल पे यहाँ पे, लोवेस्ट लेवल पे यहाँ पे मैंने इसको सेल किया है। तो देखते हैं अभी, क्योंकि रेड कैंडल बनी जा रही है अभी, तो लगता है एक बार मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाहिए। सिर्फ 47,150 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है। शायद दूसरी कैंडल वन मिनट में भी रेड बनी जा रही है, तो देखते हैं अभी कि 16,650 तक शायद आ सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज ये एक्सपायरी तो काफ़ी हद तक यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है। 16,700 का भी एक लेवल है ऊपर, 710 तक भी पूरे दिन में वहाँ भी टच कर सकता है नो डाउट, क्योंकि आज बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक यहाँ पे स्ट्रांग है। कल बैंक निफ्टी आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक यहाँ पे वीक थी। अभी 1600-1700 रुपये का यहाँ पे लॉस चल रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस आ चुकी है 178। 16,500 कॉल जो मैंने बेचा 160 रुपये से, उसका अभी चल रहा है 180 रुपये, तो 2,000 रुपये का अराउंड मेरा यहाँ पे लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे जीरो था मैं, अभी मैं प्राइस यहाँ देख रहा हूँ, वो एक और ऑर्डर में यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। मैं अपस्टॉक में इसीलिए सेल करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे OTM यानी आउट द मनी बाय करने देते हैं। जीरोधा में नज का यहाँ पे वार्निंग मैसेज आ जाता है, जैसे कि आप काम कर रहे होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बाय साइड अगर काम करना है तो मैं यहाँ पे जीरोधा में करता हूँ, और सेल में काम करना है तो मैं अपस्टॉक में काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी 500 क्वांटिटी 16,500 का कॉल जो कि मैंने अपस्टॉक में सेल किया है 100 क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने 500 क्वांटिटी बाय की है 179.47, क्योंकि लगता है कि एक बार ये 16,710 तक जा सकता है, और जैसे कि वन मिनट के कैंडल में भी देख पा रहे हो कहीं भी वीकनेस यहाँ पे शो नहीं हो रही है। 179 में मैंने बाय किया है, 174 के अराउंड यहाँ पे चल रहा है अभी 16,500 का एक कॉल, तो देखते हैं अभी थोड़ा लॉस चल रहा है इसमें नो डाउट। तो जीरोधा में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे मेल करके आपको बताना पड़ता है कि सारे ऑप्शन जो आप बाय सेल कर सको, तो वो आपको कराना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो नज का जो मैसेज आता है, वो उनकी जो लिमिट होती है सेबी की तरफ से जीरोधा में, इसीलिए वो कभी कभी 5-10 रुपये वाले कॉल और पुट हेजिंग करने के लिए मैं जो यूज करता हूँ, वो यहाँ पे जीरोधा में एरर आ जाती है, बाय करने नहीं देता। इसीलिए अपस्टॉक में काफ़ी आसानी से, और फायर्स में भी अकाउंट मैंने ओपन करवाया है, उसमें भी आसानी से वो हो जाता है। अभी 200 क्वांटिटी एवरेज करने के लिए सोच रहा हूँ कि 500 ओपन है जीरोधा में, 16,500 का कॉल और 200 क्वांटिटी में ऐड करने की सोच रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी हमेशा थोड़ा वेट करता हूँ, और वेट करना भी चाहिए, और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा हो तो प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज वो प्रॉफिट चले जाने में देर नहीं लगती है। तो 200 क्वांटिटी जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे बाय कर लिया है मैंने, 177 की प्राइस चल रही है। देखते हैं अभी ऑर्डर बुक में 176.55, तो एवरेज प्राइस आ गई है 178.63, 700 क्वांटिटी ओपन बाय साइड, 2600 रुपये का लॉस चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा अभी दूर नहीं है, 2 रुपये का ही इसमें डिफरेंस है 700 क्वांटिटी में, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे प्रॉफिट में भी आ जाऊँगा। यहाँ भी 1600 का अभी लॉस चल रहा है, जो 100 क्वांटिटी मैंने बेची है यहाँ पे 16,500 का कॉल टॉप स्टॉक में सेल किया है, ऑप्शन राइट किया है और ऑप्शन बाय किया है जीरोधा में। अभी 1200 का लॉस चल रहा है ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, काफ़ी हद तक वॉलेटाइल होगा प्रॉफिट लॉस पोजीशन में, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी हैवी है इसलिए। और हमेशा ट्राई कीजिए कि एट द मनी आप बाय कर सको, और तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और जो प्राइस देखी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कम हो सकती है, ठीक है। तो आज ही मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, जो मैंने 100 क्वांटिटी जो मैंने सेल की है, अदरवाइज मैं इसको होल्ड कर लेता, लेकिन मैंने आज 18 अगस्त का ही मैंने सेल किया है 100 क्वांटिटी, इसीलिए जो भी है प्रॉफिट और लॉस है अपस्टॉक में, वो मुझे आज ही यहाँ पे बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑक्शन में जा सकता है ऑर्डर, और काफ़ी बड़ा चार्जेस यहाँ पे, काफ़ी बड़ा फाइन लग सकता है, तो वो हमेशा ध्यान रखिए। 174 चल रहा है 16,500 का कॉल, काफ़ी हद तक यहाँ पे
थोड़ा मार्केट यहाँ पे स्लो हो चुका है, तो 16,680 87 90 क्रॉस करने में दिक्कत है, क्योंकि 16,700 पे शायद कॉल राइटर बहुत ही ज़्यादा होगी, 180 की प्राइस आ चुकी है, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका हूँ। जीरोधा में 180 180 के आसपास, तो 600 रुपये का प्रॉफिट अराउंड चल रहा है, 1000 रुपये के आसपास, तो देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर सकते हो, जब भी टाइम होता है तब मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। आजकल थोड़ा पर्सनल काम है प्रॉपर्टी का, तो उसमें मैं 2-3 महीनों से मैं बिजी हूँ अभी, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी 1700 का 1500 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। 184 में लगा रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 700 क्वांटिटी में मैंने 184 लगा दिया है, क्योंकि जैसे ही 16,700 की एक बड़ी कैंडल यहाँ पे निफ्टी मारता है तो अचानक से नीचे भी, जितनी स्पीड से ऊपर जाता है उतनी स्पीड से नीचे भी आ जाता है। तो 181.75 183 आ चुका है, ओके, एक रुपया और चाहिए, 1 रुपीस लेफ्ट। देखते हैं अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करता है कि वापस नीचे, क्योंकि आजकल निफ्टी की चाल बदल चुकी है, इसीलिए काफ़ी हद तक ध्यान रखना पड़ता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की चाल बदल चुकी है। 184 आ चुका है यहाँ पे, देख सकते हो 700 क्वांटिटी सेल, 3,757 रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में बुक कर लिया है। तो हर रोज 10-20,000 प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना आसान नहीं है, ठीक है। इसमें भी अभी 2300 का लॉस चल रहा है, और तो कुल मिला के 1000 रुपये का मुझे प्रॉफिट यहाँ पे, अगर मैं इसको लॉस को निकाल दूँ तो मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट अभी हुआ है। तो अभी देखते हैं अभी उसमें जो ये जो कॉल मैंने सेल किया है अपस्टॉक में उसका क्या होता है। तो जीरोधा और अपस्टॉक में अकाउंट ऑनलाइन ओपन कराना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वहाँ जाके क्लिक करके चेक कर सकते हो। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे 16,900 का पुट चल रहा है, 219 रुपये, अभी इसमें 2600 का लॉस चल रहा है अपस्टॉक में। तो अपस्टॉक में यही प्रॉब्लम है कि बहुत कोई भी ओपन पोजीशन हो, ऑर्डर ओपन हो, सेल का ऑर्डर हो या फिर पोजीशन जो भी है, तो इसको ध्यान से देखना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है। इसीलिए कभी कभी क्या है कि मार्केट से फोकस यहाँ पे हट जाता है, तो ये बड़ी दिक्कत है। जीरोधा काफ़ी हद तक आसान है, इजी टू यूज है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी मैंने अभी जो 2600 का लॉस था वो यहाँ पे आ चुका है सिर्फ 500 रुपये के लॉस पर, तो देखता हूँ अभी कितना मैं यहाँ पे इसको अगर प्रॉफिट में आ जाए तो 500 का मेरा टारगेट है। यहाँ पे ऑर्डर मैंने लगा के रखा है 155, तो ऑर्डर ओपन है 155 आएगा तो ये निकल जाएगा। देख सकते हो सिर्फ 100 रुपये का लॉस बचा, 100 क्वांटिटी जो मैंने बेची है, क्योंकि निफ्टी आ गया है यहाँ पे 16,650 के आसपास। देखते हैं 200-300 का लॉस है, शायद इसको मैं बुक कर लूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 3,700 का जो प्रॉफिट है वो मैं कवर यहाँ पे कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा और वेट करता हूँ क्योंकि वैसे ब्याज एक्सपायरी है तो शायद ही नीचे आ सकता है, अदरवाइज फिर देखते हैं। अगर लॉस यहाँ पे बुक करना पड़ा तो और पोजीशन यहाँ पे कॉल बाय करके इसको मैं कवर अप यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, अभी ग्रीन कैंडल बनी जा रही है 1 मिनट में अपस्टॉक में, अभी आप देख पा रहे हो तो निफ्टी अभी है अराउंड 60 के आसपास, 3,700 ऑलरेडी मैं यहाँ पे बुक कर चुका, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके। तो राउंड फिगर पे हमेशा मैं फोकस करता हूँ, ज़्यादा कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड या काम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे कि 16,650 और 16,700 उसके बीच में ही मैं पोजीशन बनाने की हमेशा आप भी कोशिश कीजिए। तो कॉल नीचे आया हुआ था 160 के आसपास, वापस चला गया 178, तो वही अभी 1800 का लॉस चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 250 क्वांटिटी बाई कर ली है मैंने, क्योंकि लगता है इस बार 16,690 यहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी, लेट्स सी, अपडेट करता हूँ अगर 16,700 को क्रॉस करता है कि नहीं, क्योंकि कॉल राइटर कितने हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा आज के दिन। 1,250 क्वांटिटी अगेन मैंने ली लिए 178.50, 4,300 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, 2,000 का लॉस यहाँ पे चल रहा है अपस्टॉक में, 100 क्वांटिटी माइनस। तो अभी देखते हैं इसमें, अभी रेजिस्टेंस पे आ गए निफ्टी, देख पा रहे हो शायद इस बार ये ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे 16,710 तक ये जाने की उम्मीद है। 178.50 में अगेन मैंने 250 क्वांटिटी बाय की हुई है, ठीक है। तो हेजिंग करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वहाँ पे मॉर्निंग में ही सेल हो चुका है लोवेस्ट लेवल पे, ये थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है अपस्टॉक में, अदरवाइज मेरे 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे मिल चुका होता, ठीक है। अभी मैं 16,400 का कॉल 250 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ, रिव्यू बाय ऑर्डर डिलीवरी
मार्केट पे, ओके, रिव्यू बाय ऑर्डर एंड प्लेस बाय ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो ये ऑर्डर 277.91 रुपीज़ से मैंने 250 क्वांटिटी 16,400 का कॉल मैंने बाय किया हुआ है अपस्टॉक में। तो काफ़ी ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ता है क्योंकि कहाँ पे बाय हुआ, एवरेज प्राइस क्या है, वो थोड़ा यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ा प्लेटफॉर्म नया है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इजी टू यूज़ की बात करें तो जीरोधा जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है इसमें। कभी कभी समझ में नहीं आता है कहाँ पे बाय ऑर्डर कितने में हुआ, पोजीशन क्या है, और सेल का ऑर्डर आपने लगाया तो कहाँ पे प्लेस हुआ। ये अगर इसमें एवरेज कर ली तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी 35 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है जो मैंने अभी अभी जो पोजीशन बनाई है 277.91 यानी ऑलमोस्ट 278 के ऊपर जितना जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट 250 के हिसाब से यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो इसमें भी पोजीशन बाय साइड ओपन है, ओके। तो देखते हैं अभी थोड़ा और वेट, 278.60 16,400 का कॉल, तो 16,690 क्रॉस नहीं कर पा रहा है निफ्टी, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए अगर क्रॉस नहीं करेगा तो। रेजिस्टेंस पे आके हर बार यहाँ पे एम की पैटर्न अभी शायद कंप्लीट करेगा ऐसा मुझे लग रहा है, फिर पता नहीं, देखते हैं अभी कि एम की पैटर्न कंप्लीट होगी या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। 4,720 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है 250 क्वांटिटी, इसमें मैं एग्जिट का ऑर्डर यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ 186। तो सेल का ऑर्डर लगा दिया है, काफ़ी इजी टू यूज़ सेल का ऑर्डर लगाना अपस्टॉक में, काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है इसे। तो कल बहुत ही जूम आउट था क्योंकि ये 4K रिजोल्यूशन है मेरा कंप्यूटर के मॉनिटर में, तो कल आपको इसके जो टेक्स्ट थे वो बहुत ही छोटे छोटे लग रहे थे, तो आज मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके कीबोर्ड में थोड़ा यहाँ पे इसको बड़ा कर लिया है ताकि आपको यहाँ पे देखने में परेशानी ना हो अगर मोबाइल से भी देख पा रहे हो तो। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी इसको मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ, जो बाइक का ऑर्डर है 182 में, मैं सोच रहा हूँ इसको मैं एग्जिट कर लूँ, ओके 182 मैंने कर दिया है और 100 क्वांटिटी यहाँ पे शायद कंप्लीट है, देखना पड़ेगा, ओके 100 क्वांटिटी यहाँ पे 181.85। तो मैंने जो 100 क्वांटिटी बेची थी मॉर्निंग से वो इसको मैंने निकाल दिया है 16,500 का कॉल, उसमें मैंने लॉस यहाँ पे बुक कर लिया है फाइनली। 160 के आसपास आया था लेकिन लॉस मैं बुक वहाँ पे नहीं कर पाया। तो जो मैंने सेल किया था 100 क्वांटिटी 16,500 का कॉल, वो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया है, तो उसमें मैंने कितना लॉस बुक किया है 2,152 2,152 रुपये का यहाँ पे लॉस बुक कर लिया है। और जो 16,400 का कॉल 250 क्वांटिटी ओपन है उसमें मेरा अभी 250 का प्रॉफिट चल रहा है। तो देख सकते हो जो मैंने सेल किया था उसमें मैंने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया है। अभी देखते हैं कॉल साइड जो पोजीशन ओपन है उसमें क्या होता है। तो जीरोधा और अपस्टॉक में मैं कॉल साइड ओपन हूँ, यानी सीधा सीधा यहाँ पे अगर बात करें तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, अदरवाइज ये जो ग्रीन पोजीशन है वो लाल में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। 189 मैंने लगा के रखा है अभी, एम की पैटर्न ना बनाए तो अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ से थोड़ा नीचे आने की उम्मीद है लेकिन आजकल चाल बदली हुई है निफ्टी की, देख सकते हो बड़ी ग्रीन कैंडल लगा दी। तो सेलर को यहाँ पे ट्रैप बिल्कुल कर लिया है निफ्टी ने और चला गया है 90 के आसपास 690 निफ्टी स्पॉट। और यहाँ पे मैंने 195 किया हुआ है 250 क्वांटिटी 5,300 का प्रॉफिट मिल रहा है। देखते हैं अभी कितना मैं यहाँ पे बुक कर पाता हूँ, 5,800 मिल रहा है, 186 की प्राइस आ चुकी है, तो 94 आने में शायद परेशानी हो सकती है। तो जो जितना भी मिल रहा है मैं हमेशा लेने की कोशिश करता हूँ 187, ज़्यादा यहाँ पे लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे और भी बहुत दिन पड़े हुए हैं। तो दोस्तों 187 लगा दिया है सेल में, 250 क्वांटिटी ओपन, क्लॉक में टाइम भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देख सकते हो ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं किया बिकॉज ऑफ कॉल राइटर। तो देखते हैं अभी इस बार क्या होता है, 187 लगा है 184 के आसपास 16,500 का कॉल चल रहा है 185.60, एक रुपया और चाहिए, 1 रुपीज़ लेफ्ट, 187 आएगा तो यहाँ पे सेल का ऑर्डर 250 क्वांटिटी 16,500 का जो कॉल का जो वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ऑर्डर है वो। अभी रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है शायद
हो भी गया है, 187 पे सेल हो चुका है। तो दोस्तों बुक किया हमने 5882, 5882 रुपये हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। 10:15 होने वाली है। तो सुबह सुबह अभी जो मैंने ट्रेडिंग ख़त्म कर ली इसमें भी मुझे 2700 का प्रॉफिट मिल रहा है और 94 रुपये चला गया है। निफ्टी स्पॉट देख सकते हो तो 16700 को टच कर सकता है, 3300 का प्रॉफिट मिल रहा है। अभी मैंने इसमें एक्सिट का ऑर्डर नहीं लगाया है, 2100 यहाँ पे, अभी एक मिनट देखना पड़ेगा ऑर्डर। ओके अभी मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए टाइम लग रहा है। तो 3200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, मैं लगा रहा हूँ 291.55 चल रहा है, जैसे कि आप अगर देख पा रहे हो 16400 का कॉल मार्केट वॉच लिस्ट में। ओके तो मैंने लगा है यहाँ पे, अभी देखना पड़ेगा ओपन ऑर्डर कहाँ पे लगा है। 290 यहाँ पे ओपन में जाके देखना पड़ेगा, 292। ओके अभी चल रहा है यहाँ पे 288 आ गया है, स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 250 क्वांटिटी, 292 की लिमिट प्राइस यहाँ पे लगा के रखी है। और अभी थोड़ी देर में ये टच हो सकता है, अगर निफ्टी ने और थोड़ा 2 से 4 पॉइंट अगर ऊपर गया निफ्टी स्पॉट तो डेफिनेटली आ सकता है। 290 आ चुका है और अभी रेगुलर स्पीड पे आप यहाँ पे देखोगे 291.55। अभी यहाँ पे 250 क्वांटिटी थोड़ा, ओके 250 क्वांटिटी यहाँ पे सेल हो चुकी है अपस्टॉक में। थोड़ा टाइम लगता है इसमें अपडेट होने में, ऐसा मुझे मैंने नोटिस किया है। जीरो था जितना यहाँ पे तुरंत ही ये नहीं हो जाता है अपडेट, अगर सेल पोजीशन की है तो भी। तो बुक किया हमने दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पे 3522 रुपये का, और इसमें से लॉस अगर निकाल दे 2100 का तो अराउंड 1500 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट अपस्टॉक में मैंने बुक किया। देख सकते हो यहाँ पे 3522 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है कॉल में, और जो कॉल राइड किया था उसमें मैंने 2152 रुपये का लॉस यहाँ पे बुक किया हुआ है। तो अराउंड 7500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने आज के दिन बुक किया हुआ है अपस्टॉक और जीरोधा मिला के। तो अभी बस इतना ही, आज के दिन बस इतनी मैं ट्रेडिंग करूँगा, अभी आज के दिन और भी काम है। तो पूरा दिन काम करने का कोई मतलब नहीं, अगर एक आपका टारगेट सेट है इतना प्रॉफिट मिल जाए 6,000-5,000 तो बस यहाँ पे बंद कर दीजिए। ओके वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर सकते हो, आगे ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए यहाँ पर मैं लाता रहूँगा। ठीक है, ओके हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।